मैं एक दूसरे से परिचित तो नहीं हूँ, लेकिन सांसद महोदय वर्मा जी और तमाम पर्यावरण प्रेमी माताओं बहनों एवं नौजवान साथियों, मैंने 1991 से पीपल लिव तुलसी अभियान चला रखा है। कई लोगों ने कई बात कहा है, मैं उस बात की समर्थन करता हूँ, लेकिन पीपल लिव तुलसी बेरोजगारी के मामले में नौजवानों को रोजगार से भी मुक्ति दिला सकता है, पर्यावरण के क्षेत्र में भी कार्यरत है, कृषि के क्षेत्र में भी काज करता है और जल संरक्षण में भी तमाम पेड़ों की है। और पीपल के बारे में हमारे भाई बघेल जी ने कई बात कहा, लेकिन यह अपने आप याद करिए कि आज जो हम एक माँ जो जन्म देती है वह एक माध्यम है, लेकिन असली जो भोजन हम लेते हैं, हमने जो दूध पिया, हमने जो अन्न खाया, हमने जो श्रृंगार किया, वो तमाम श्रृंगार आज जो हम लोग चमक धमक रहे हैं, यह धरती की देन है, यह प्रकृति की देन है। प्रकृति को उजार करके हम अपने श्रृंगार को सजाए हुए हैं, हम अपने सेंट पाउडर लगा के जो घूम रहे हैं, आने वाले दिनों में यह प्रकृति आपसे अपील कर रही है कि ए नौजवान साथियों, ए माताएं बहनों, यह तुम्हारा जो श्रृंगार है यह श्रृंगार बचने वाला नहीं है। जब तक सब एक एक हाथ से इस धरती के श्रृंगार में तुम अगर बीच नहीं लगाते तो यह श्रृंगार ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। अभी एक कहावत है, उन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। बात तो बहुत लंबी है और अंतिम पड़ाव तक है। एक लोग ने कहा कि हमारे दादा ने नदी में जल देखा, हमारे पिताजी ने कुआं में जल देखा, अगला जनरेशन चौथा तल में जल देखा, अभी का जो वर्तमान बच्चे हैं वो बोतल में जल देख रहे हैं, लेकिन यह सोचिए कि आने वाले बच्चे कहाँ जल देखेंगे, इसको ऊपर भी ध्यान दीजिए। और खास करके हम आज अर्थ के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन अर्थ कहीं कोई काम नहीं देगा। यह जो विपदा आ रही है चारों तरफ पिछले 2 साल से, कहीं पानी आ रहा है, कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं बाढ़ आ रहा है, कहीं तूफानी आ रहा है, लेकिन अगर हमारे पास बारी है तो तूफानी उसे तेज चल रही है, हम उसके चपेट में आ जा रहे हैं। इसलिए इशारा को हम लोग समझे और इस मिशन को बढ़ कर आगे लेकर के चले। ऐसे अगर आपको कई लोगों को हाथ लगाने में भी दर्द होगा, लेकिन पूजा पाठ के माध्यम से आप कहीं भी बहुत दीद उठाइए और इस मिट्टी में सीट बेल्ट करके बनाते, कहीं भी उसको छूटिए जैसे पक्षी के दाना छूटते हैं, जहां भी पार्क मिले या किसी भी तरह इस मिशन को आगे बढ़ाइए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ और मैं अपील करता हूँ कि कम से कम प्रत्येक साल यह 5 तत्व का जो शरीर है इसको संवारने के लिए 5 दिन इसको हर एक साल लगाए और कम से कम 5 आदमी को अवेयरनेस करे, ताकि यह मिशन अपने आप में हो सके और यह धरती श्रृंगार रूपी अंगाल में हम लोगों को सुरक्षित रख सके। जय हिंद, जय भारत, जय पीपल, जय नीम, जय तुलसी, जय डॉक्टर।